हर कोई कहता था। सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले ली। हाजरीन जलसा, मैं अब तमाम लोगों को सलाम करता हूँ। बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह का दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। तो अल्लाह ताला से इतना ही दुआ करते हैं, जो दुआ पढ़ा गया अभी, तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे, इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटरी के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी, उस ज़माने में उर्दू निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे चीज हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका जबरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरीट है, जबरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपने इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है, सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए। अल्लाह से मैं दुआ मांगते हुए मैं रुखसत होता हूँ।